हेलो एवरीवन, वेलकम टू रघुनंदन मनी। आज की वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग का जो पेपर ट्रेडिंग का कोर्स है उसके डेटा कंपाइलिंग वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो कैसे हमें एक्सेल शीट पे सारा लाइव डेटा पुट करना है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाएगा, वो एक टूल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जब आप इस पेपर ट्रेडिंग के कोर्स को करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस एक्सेल शीट पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइसेस को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। ये दोनों हमने लगा लिए, फ्यूचर के मंथली एक्सपायरी हमने यहाँ पे लगा ली। उसके बाद में हम यहाँ पे डिफरेंट स्ट्राइक्स के ऑप्शंस को पुट करेंगे। पी प्राइस चल रहा है निफ्टी का 16,250, तो पुट का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे 16,200 की पुट और से स्टार्ट करूँगा और 400 के डिफरेंस पर लेके आऊँगा, यानी 15,800 की पुट, 16,200 की पुट और 15,800 की पुट का रेशियो यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 16,100 की पुट का रेशियो और 15,700 की पुट का रेशियो बनाएंगे। ऐसे ही डिफरेंट रेशियोज़ को हम यहाँ पे देखेंगे, जो जहाँ तक भी उसमें जो प्रीमियम मौजूद रहेगा, जहाँ तक भी जिस स्ट्राइक तक प्रीमियम रहेगा उस स्ट्राइक तक ये सारे रेशियो बना लेंगे। एक्चुअली ये कॉल के मैंने पुट कर दिए यहाँ पे, एक सेकंड इनको मैं पुट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। 16,200 की पुट, 15,800 की पुट, ओके। और उसके बाद ये 16,100 की पुट और उसके नीचे लगानी होगी मेरे को 15,700 की पुट, ठीक है। और उसके बाद 16,000 की पुट, ओके। उसके बाद में मैं यहाँ पे 15,600 की पुट लगाऊंगा, ठीक है। ऐसे करके नीचे मैं लेके जाऊंगा जहाँ तक भी मुझे प्रीमियम मिलेगा, जहाँ पर भी प्रीमियम दिखाई देगा वहाँ तक लेके चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने ये पूरा बना लिया, 15,200 से 14,800 तक के स्ट्राइक्स को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और सबका डेटा यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही कॉल साइड में बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूला कैसे आपको लगाना है कि ये रेशियो अगर हम बेचेंगे तो ये किस रेट पे बेचेगा और किस रेट पे बाई होगा, यानी सेल किस रेट पे होगा, बाई किस रेट पे होगा, ये हम एक फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे 1:6 का लगा रहा हूँ, यानी कि 50 शेयर में 1 लॉट बाई करूँगा और 6 लॉट सेल करूँगा, इसलिए मैंने 50-300 किया है, ठीक है। और फॉर्मूला है इसका प्लस ब्रैकेट ओपन माइनस बड़ा वाला लॉट डिवाइड बाय छोटा वाला लॉट और सेल प्राइस माइनस बाई प्राइस, ठीक है। उसके बाद मैं बाई वाले साइड का बनाऊंगा। अब ये बाई होगा मेरा, अभी मैंने सेल करके बनाया, ये इस प्राइस पे बाई होगा और सेल किस प्राइस पे होगा, तो उसके लिए फार्मूला लगेगा प्लस माइनस बड़ा वाला लॉट डिवाइड बाय छोटा वाला लॉट और ब्रैकेट क्लोज इनटू बाई प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। तो बाई प्राइस यहाँ पे मैं ले लूँगा और माइनस सेल प्राइस जो चल रहा है सेल प्राइस ले लूँगा, ठीक है। ऐसे ही 1:4 का बना लेंगे, यानी 50-200, तो ये हो जाएगा 1:4, ठीक है। 50 एक लॉट बाई किया, 4 लॉट सेल किया, उसका भी हम इसको भी फार्मूले में पुट कर लेंगे, प्लस माइनस बड़ा वाला लॉट डिवाइड बाई छोटा वाला लॉट और सेल प्राइस माइनस बाई प्राइस, ठीक है। ये अब इतने में हमारा ये बाई होगा और इसके बाद में यहाँ पे प्लस माइनस बड़ा वाला लॉट डिवाइड बाई छोटा वाला लॉट इनटू बाई प्राइस माइनस सेल प्राइस।
अब ये इस प्राइस में हमारा बाई होगा। ओके, जिस तरह से हमने 16,200 15,800 के रेशियो बनाया था, वैसे ही हम यहाँ पे 16,100 और 15,700 की फुट के रेशियो में बनाएंगे इसको। तो सेम फार्मूला, प्लस माइनस बड़ा वाला लॉट डिवाइड बाई छोटा वाला लॉट इनटू सेल प्राइस माइनस बाई प्राइस, ठीक है। उसके बाद ये बायर का हो गया, और सेलर का लगाएंगे प्लस माइनस बड़ा वाला लॉट डिवाइड बाई छोटा वाला लॉट और इनटू बाई प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। ये सेलर का हो गया। ऐसे ही 1:4 में हम निकाल लेंगे, एक सेकंड इसमें कुछ मिस्टेक हो गई, प्लस माइनस बड़ा वाला लॉट डिवाइड बाई छोटा वाला लॉट इनटू सेल प्राइस माइनस बाई प्राइस, ठीक है। ऐसे ही 1:4 में लगा लेंगे, प्लस माइनस बड़ा वाला लॉट डिवाइड बाई छोटा वाला लॉट इनटू बाई प्राइस माइनस सेल प्राइस। ये बायर का रेट हो गया, और सेलर का निकालने के लिए फिर दोबारा प्लस माइनस बड़ा वाला लॉट डिवाइड बाई छोटा वाला लॉट इनटू सेल प्राइस माइनस बाई प्राइस, ठीक है। ऐसे ही करके सारे स्ट्राइक्स के रेशो के हम बाई प्राइस, बायर के प्राइस और सेलर के प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद सब मैं, जैसे अगर इसी को जो मैंने अभी निकाला हुआ है, इसी को अगर मैं सब मैं पेस्ट कर देता हूँ तो सबका डेटा यहाँ पे नीचे निकल आएगा, मुझे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ हर एक जगह, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से मुझे कॉल साइड में बनाना है डेटा, जो ये फार्मूला लगाया है इन सबको एक बार हाईलाइट कर दें ताकि आपको पता रहे कि ये फार्मूला आपने लगाया है, वो दूर से आपको दिखाई दे जाए। तो जो कॉल साइड के रेशियो बनाएंगे हम, वो 300 के गैप के बनाएंगे, ठीक है। कॉल साइड में उससे पुट साइड के गैप से कम रखते हैं 100 पॉइंट का, बिकॉज जो डाउन साइड की मूवमेंट होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है अप साइड की मूवमेंट से, ठीक है। ऐसे ही हम कॉल साइड के सारे डेटा ले लेंगे, 16,250-60 के आसपास चल रहा है मार्केट, तो 16,300 के ऊपर के सारे स्ट्राइक ले लेंगे हम, यानी 16,300 और 16,600, ठीक है। 300 पॉइंट का डिफरेंस रखा है हमने, इसमें फॉर्मूला लगाने के लिए गैप दे देंगे 3 का, और फिर दोबारा दूसरा रेशियो लगाएंगे हम 16,400 और 16,700। ऐसे ही नीचे 16,500 और 16,800 का रेशियो लगा लेंगे, और इसी तरह से हम कॉल साइड का जो बायर सेलर का प्राइस है वो निकाल लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 1:6 50 और माइनस 300 और 50 और माइनस 200 यानी 1:4 का रेशियो बना रहा हूँ। तो वही सेम फार्मूला लगा के प्लस माइनस बड़ा वाला लॉट डिवाइड बाई छोटा वाला लॉट इनटू बाई प्राइस माइनस सेल प्राइस, ये हो गया मेरा बायर का प्राइस, बाई का प्राइस, और इसके बाद में सेल का प्राइस निकालने के लिए प्लस माइनस बड़ा वाला लॉट डिवाइड बाई छोटा वाला लॉट इनटू सेल प्राइस माइनस बाई प्राइस, ठीक है। ऐसे ही हम 1:4 का निकाल लेंगे, और सब का निकाल के हम ये कॉल साइड में उसको सारी जगह सारे रेशो के सारे स्ट्राइक्स में पेस्ट कर देंगे। बाद हम इसी डेटा को नेक्स्ट शीट में एक लिंक कर देंगे, एक ऐसे फॉर्म में जहाँ से हमें इस डेटा को देखने में इजी रहे, ठीक है। तो लिंक करने के लिए मैं उन सारी स्ट्राइक्स को वहाँ से प्लस साइन लगा के और यहाँ पे ले आऊँगा, जैसे कि ये 16,200 फिर 15,800 की यहाँ पुट कर लेंगे, और बायर का प्राइस यहाँ पे ले आएंगे, और यहाँ पे बायर का प्राइस के बाद सेलर का प्राइस भी यहाँ ले आएंगे,
ठीक है, इसी तरह आप ये 1:6 का हो गया और 1:4 का भी ऐसे ही यहाँ पे बायर और सेलर दोनों के प्राइस को पुट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दूसरी हमारा रेशो है जो कि 16,100 और 15,700 का है, उसको भी इसी तरह से हम बना लेंगे। यानी बायर का प्राइस 1:6 वाले का बायर का प्राइस, फिर 1:6 वाले का सेलर का प्राइस, और उसके बाद में यहाँ पे हम 1:4 वाले का बायर का प्राइस लेके आएंगे और 1:4 वाले का सेलर का प्राइस। तो बेसिकली पूरा डेटा हम यहाँ पर लिंक कर लेंगे ताकि हमें देखने में इजी रहे, और इस डेटा को हम एक टेबल फॉर्म में और जो जो चीज़ें हमें देखनी है, जिन चीज़ों पर हमें नज़र रखनी है, वो चीज़ हाईलाइट कर लेंगे और इसको प्रॉपरली मैनेज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पे जो हमारे बायर सेलर प्राइस हैं, यहाँ पे हम उसकी कैलकुलेशन लगाएंगे कि अगर हमने ये इतने पे बाई किया है तो फिर ये सेल कितने पे होगा, वो सारी कैलकुलेशन करेंगे और एज ए पेपर ट्रेडिंग उसको बाई करके के ये मान लेंगे कि इस प्राइस पे हमने बाई कर लिया। ठीक है, एक बार इस डेटा को पूरा अरेंज कर लेते हैं उससे पहले। तो अब कैलकुलेट करने के लिए हम ऊपर वाले प्राइस में से, बायर के में से ये सेलर का माइनस कर देंगे। ठीक है, और पूरी शीट पे ये कॉपी कर देंगे, सारी स्ट्राइक्स का निकाल लेंगे, और उसके बाद में हमको, तो यहाँ पे हमें निफ्टी के प्राइस ड्रैग कर लेने हैं। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें कि निफ्टी में कितना चेंज आता है, तो हमारे ऑप्शन में कितना चेंज आएगा, ये हमें देखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और इस ऊपर वाली रो को जो मेरा बायर है, यानी इस प्राइस पर मैंने बाई कर लिया, ये मान के मैं एज ए वैल्यू यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। और उसके बाद में अगर मैं इसको सेल करूँगा तो ये मेरा डिफरेंस कितना निकल के आएगा, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को अब यही प्राइस देखना है कि ये इसमें कितना चेंज हो रहा है, बेसिकली यहीं से मेरे को प्रॉफिट और लॉस मेरा दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही 1:4 वाले में भी सेम कर लेंगे, निफ्टी के प्राइस ड्रैग कर लेंगे और इस पूरी रो को कॉपी करके और नीचे एज ए वैल्यू पेस्ट कर देंगे, जिससे कि हम ये मान ले रहे हैं यहाँ पे कि हमने इतने पे इस इन प्राइसेस पे ये सौदा किया हुआ है। इसी से हमें पता चलेगा कि कौन सा स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा चेंज आता है, जिससे कि हमें आइडिया रहे कि हमें कौन सी स्ट्राइक करनी है। ठीक है, इसी डेटा को हमें मैनेज करना है। बाकी हम इस नीचे वाले में हमने वो उसमें से सेलर वाले में से घटा के लिख दिया कि अगर हम करेंगे तो अभी इस पर हमें कितना प्रॉफिट लॉस होगा। और इसी तरह से कॉल साइड का हमें डेटा यहाँ लिंक कर लेना है, जैसे कि मैं 16,300 16,600 की कॉल का मैं बायर सेलर 1:6 और 1:4 के यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ऐसे ही 16,400 और 700 का, और बाकी सारी स्ट्राइक्स का हम यहाँ पे कर लेंगे।